करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती चौपाई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा
सब बैरन को आस नहीं है। छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊ आप हाथ दे मुझे उतरी है मरन काल का त्रास भरी है। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल काए ब्रह्मा बकतरा काल काए शिव जू अवतरा काल काए कर विष्णु कर कासा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत गच्छन उपजायो को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी बुद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जीते भजन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग कान अनुमान महामूर कछ भेद न जानता आप अपनी बुद है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती एक रूप रूप स्वरूपा रंग पयो राम रूपा राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग अस्तुल तब सरनी करे तिनके दुष्ट दुखत है मरे कोई कबार के हैं ताके काल कटने हैं कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके ताप तक मोहर हो एक बार दिन तुम्हें संवारा काल पास ते ताहे उबारा सर्व तिहारी आप बात रहे हो गुबारी सर्व टोर मोहो सहाई दुष्ट दो तेरे हो बचा रोगी का प्रभ खंडो रोग प्रभ खंडो रोग रोगी का प्रभ खंडो रोग रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखी है का मिटाओ प्रभ सो दुखी है का Oh,
नारायण तू पाप जाहे निर्मल बना सगल मनोरथ पूरन काम पग तू अपने को दे सफल सेवा गोपाल राय करन करावन हार स्वामी ताते विरथ कोई ना जाए निथावे को तुम दास अपने को भक्ति निमाने को प्रभु दे तो मान निमाने को प्रभु दे तो मान मूड़ मुख दे होए चतुर सुज्ञान मूड़ मुख दे होए चतुर सुज्ञान सगल भयाने का पौन से जन अपने के हर मन बसे प्रभ सुख निधान पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान तत्ज्ञान हर अमृत नाम तत्ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए Oh,
Yeah.
समृत पूर्व पूरन विदाते आपे कर मेरा बैर गुरु गोविंद हर हर नाम औ खद मुख देवे काटे जम की फंदा बाणी की ताकत बाणी की ताकत साथ संग जी बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं कई लोग तर्क करते हैं कि मन ना जुड़े तो नाम नहीं जपना चाहिए अगर बाणी समझ में नहीं आती है तो सुनकर क्या फायदा है प्यार से बोले धन गुरु ये हमारे अपने दिमाग के तर्क हैं पर बाणी की ताकत समझ में आए या ना आए मन जोड़कर सुनो या बिना मन जोड़कर उसने अपना काम कर देना है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक मन जोड़कर सुनोगे तो शर्तिया काम होगा शर्तिया पर अगर मन जोड़कर नहीं भी सुना मन जोड़कर नहीं भी जपा तो भी बाणी की ताकत ऐसी असाध रोग जो रोग डॉक्टर कह देते हैं कि दूर हो ही नहीं सकते वो भी खत्म हो जाते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये ऐतिहासिक घटना है गुरु अर्जन देव जी के समय की जहांगीर बादशाह का एक वजीर एक अहलकार जिसका नाम इतिहास में आया है वजीर खां उसे जलोदर का रोग हो गया जलोदर का रोग कहते हैं पेट में पानी भर जाता है पेट में अफरा रहता है हमेशा तकलीफ रहती है वजीर खां को जलोदर का रोग हो गया कुछ दिनों तक घर वाले सेवा करते रहे पर उसका दर्द खत्म ना हुआ चिल्लाता रहता पूरी रात हाय हाय करता जब काफी वैद्यों से इलाज करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा वैद्यों ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता घर वालों ने परेशान होकर उसकी खटिया उठाकर घर के बाहर बरामदे में रख दी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक पूरा दिन हाय हाय करता रहता है शांति नहीं रहती घर में प्यार से बोलिए धन गुरु नानक इसलिए तो बाणी बार बार कहती है जाग ले हो मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के जाग ले समझ ले ये तेरा तन जिसे तू साथ में लेकर आया था अंत समय ये भी साथ छोड़ जाता है ये घर परिवार तो बंदा ही तेरे सुखों से हुआ जब तक तू उन्हें सुख दे रहा है वो तो तेरे साथ है तो अगर उनके दुखों का कारण बन गया तो वो तेरा साथ जीते जी छोड़ जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वजीर खान
रोता है पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, नौकर के हाथ से खाना बेच देते हैं उसे, कोई मिलने नहीं आता, बरामदे में बैठा हाय हाय करता है। एक दिन अमृत वेले रात के समय जाग रहा है, हाय हाय कर रहा है, वहां से एक गुरसिख गुजरा और वो क्या पढ़ रहा था, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मह मिटावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मह मिटावो, सिमरो जास विसंसार एके, नाम जपते अगर अनेके। भाव श्री सुखमणि साहब जी की वाणी पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं अमृत वेले। जब वजीर खां के कानों में ये पंक्तियां पड़ी, उसे दर्द में आराम महसूस हुआ। हर से बोले धन गुरु नानक। वजीर खां हैरान हुआ कि इतनी तकलीफ पर जब ये यहां से गाते हुए गुजरा तो मुझे आराम आ गया, और वो गुजर गया, तकलीफ फिर बढ़ गई। कई दिनों तक वजीर खां इस बात को नोट करता रहा कि जब ये गुरसिख ये आयतें ये कलामे पढ़ते हुए जाता है, मुसलमान था वजीर खां, उसे लगा ये कोई कलाम है। हर से बोले धन गुरु नानक। मन में सोचता है जब ये कलामे पढ़ते हुए ये सिख यहाँ से गुजरता है तो मुझे आराम आ जाता है। अगले दिन जब अमृत वेले वो गुरसिख वहां से गुजरा, सुखमणि साहब जी की वाणी पढ़ते पढ़ते, तो वजीर खां ने आवाज लगाई, हे गुरु के सिखा जरा मेरी बात सुन। वो गुरसिख के पैर रुक गए, एक दुखी की आवाज सुनकर रुक गए, आया उसके पास, कहने लगा बताओ। वजीर खां कहने लगे ये कौन सी कलाम पढ़ते हो, जब भी आप यहां से पढ़ते हुए जाते हो मुझे आराम आ जाता है, दर्द मेरा कम हो जाता है। तो वो सिख कहने लगा ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की रची हुई वाणी श्री सुखमणि साहब जी का पाठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर खां ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा ये सिखा क्या रोज मुझे एक पाठ बैठकर सुनाया करेगा, यहाँ पर मेरे पे तरस कर, मैं बहुत बीमार हूँ, दिन रात हाय हाय करता हूँ, एक पाठ रोज सुना दिया कर। वो गुरसिख मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज जब भी वहां से गुजरता अमृत वेले, पहले इसके पास एक पाठ श्री सुखमणि साहब जी को सुनाकर फिर आगे जाता है। काफी दिनों तक पाठ सुनने के बाद वजीर खां को बहुत आराम आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वजीर खां कहने लगा मैं उठने लायक हो गया हूँ, थोड़ा मुझे भी उस गुरु के दर्शन करा, ताकि उन्हें दर्शन करके उनसे फरियाद करूं जिसकी वाणी में इतनी ताकत है कि मेरे रोग आराम आ गया है, अगर वो अपने मुखारविंद से दो वचन कहे तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरसिख कहने लगा तेरी भावना तेरी श्रद्धा पर मुझे विश्वास है, चल पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज तेरा रोग जरूर ठीक करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर हर नाम औकत मुख देवे, 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 काटे जम के फंदा मेरा
धन गुरु नानक वो गुरसिख वजीर खां को अपने साथ लेकर कहां चल पड़ा श्री अमृतसर साहब हरमंदर साहब की तरफ प्यार से बोले धन गुरु नानक जहां पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत को दर्शन दे रहे हैं। जब वजीर खां ने दर्शन किए चरण पकड़ लिए कि हे गुरु नानक मुझ पे तरस कर मेरे जलोदर का रोग दूर कर दे। मैं बहुत श्रद्धा से बड़ी भावना से बड़ी उम्मीद से आपके चरणों में आया हूं, मेरा ये रोग दूर कर दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने भक्तों को बधाई देते हुए कहने लगे, सेवादार से कहने लगे इसे बाबा बुड्ढा जी के पास ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी हरमंदर साहब के सरोवर की कार सेवा करवा रहे, सर पर टोकरी उठाई हुई मैले वस्त्र कीचड़ से भरे हुए सेवा कर रहे हैं, संगत से सेवा करवा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जब वजीर खान उनके पास पहुंचा बेनती की कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आपके पास भेजा है, मेरा रोग ठीक कर दो जलोदर का। बाबा बुड्ढा जी ने ध्यान ही नहीं दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाबा बुड्ढा जी कौन सांसद थे जो भाई लहना गुरु अंगद देव जी के साथ जिन्होंने गुरु नानक पातशाह की संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनकी 125 वर्ष की आयु, जिनका जीवन इतना धन्य इतना धन्य इतनी निम्रता वाला कि जो गुरु उनके वर से हुए गुरु हरगोविंद साहिब जी, जिनको गुरुगद्दी पे खुद बिठाया, जिन्हें शस्त्र विद्या खुद सिखाई, बाद में माथा भी उनको खुद टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी निम्रता सारे गुरु पूर्ण महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था। लिखारी लिखता है कि भाई बाबा बुड्ढा जी ने देखना चाहा कि इसमें निम्रता है कि नहीं। अब सुखमनी साहब जी के बाणे सुनकर और गुरसिख की संगत कर वजीर खां में थोड़ी निम्रता आ चुकी थी। बाबा बुड्ढा जी ने उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ कर दिया और सेवा करने लगे। दूसरी बार जब उसने कहा तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे कि करना कराना तो सब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद होता है, तंग करने के लिए मेरे पास भेज देते हैं लोगों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करना कराना तो गुरु ने खुद है, मेरा नाम बढ़ाने के लिए मेरे पास भेज देते हैं कि तू ठीक कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब तीसरी बार वजीर खान ने बेनती की, बाबा बुड्ढा जी के सर पर टोकरी थी, जोर से उसके पेट पर मार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसी वक्त उसके पेट का सारा पानी बह गया और उसका रोग दूर हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये किसने किया? श्री सुखमनी साहब जी की बाणी। और किसने? पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। क्या वो कहीं चले गए हैं? क्या वो कहीं चले गए हैं? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के देह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। मानो यह प्रगट गुरा की देह है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह गए हैं, खुद गुरु दसवें गुरु नानक, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रगट गुरा की दे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहीं गए नहीं, जो विश्वास रख के भावना से इस बाणी को सुनते हैं उनके रोग आज भी दूर होते हैं। साथ संगत जी आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम वासु भरद्वाज है,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हड्डियों का कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता। जवाब दे दिया डॉक्टर ने। अब उसकी साली जो सिंधी है वो कहती है कि मुझे गुरु नानक पे भरोसा है, अखंड पाठ सब सुनो, क्योंकि वो संगत करती है सर्व रोग के औखद नाम के मिशन वालों के। किसी ने सवाल किया कि ना मुझे गुरुमुख से समझ में आती है, ना बाणी समझ में आती है, मैं सुनूंगा मुझ पर असर कैसे होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा असर कैसे होगा? तो महापुरुषों ने जवाब दिया, ये गोली है, डॉक्टर तुम्हें लिख कर देता है, तुम खा लेते हो। अभी गोली में कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, कैसे बनी है तुम्हें नहीं पता, वो अंदर जाके अपना काम कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी, इसकी ताकत कानों के रास्ते से अंदर अगर जा रही है, आप सुन रहे हो। दास ने कहा था सुनने की कला होती है। अगर मन बिरते कागर चित होकर सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, समझ में आए या ना आए, ये अपना अंदर जाकर काम कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण, इसकी जरूरत नहीं। सारे अस्पताल मरीजों से बड़े पड़े। गुरबाणी में पंक्ति आती है, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। आगे पंक्ति आती है, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापण। कि हे पाचा मुझ पर कृपा करना कि मेरे अंत समय तक मेरा शरीर स्वस्थ रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मांगा है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो नाम जप सकते हैं। अगर सर दर्द हो रहा हो ना, उसे को सुखमनी सब्जी का पाठ कर ले तो नहीं होगा। जब दांत में दर्द होता है तो दांत की कीमत का पता चलता है, तब तक ध्यान नहीं चाहता तब तक दर्द नहीं। कहने का भाव दास ने पहले भी कहा था कि अगर दूसरों को गिरते हुए देखकर सीख लेंगे तो समय बच जाएगा, वरना स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर खुद गिरकर सीखना पड़े तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह शरीर है, कभी भी रोग लग सकते हैं। जब अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारे भी कभी भी नंबर आ सकता है, कुछ पता नहीं। तो जरूरी है कि गिरकर ही सीखना है। वाणी की ताकत को समझो। मैं नीचे बैठता हूँ ना, मेरा मन होता है कोई आके गुरु की बात पूछेगा। लाइन लगी होती है कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। मैं समझा कर थक गया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद दुखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कुछ संवारना है आपका, गुरबाणी ने संवारना है। श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से जुड़ो, वाणी से जुड़ो, वाणी से, किसी इंसान से नहीं। इंसान आज है कल नहीं, गुरबाणी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी से जुड़ो, जो भी दुख आए गुरु नानक के आगे अरदास करो, अमृत वेले उठो, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, सुखमनी साहब जी के पाठ की लड़ी चला लो, दुख दूर होने ही होने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये जो VTC पे तभी रखा जा सकता है कि कम से कम 40-50 हज़ार संगत हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप दूसरों पे तरस करो, अपने आप पे भी करो, दूसरों पे भी करो। इस हफ्ते मैंने सोचा था रिसिप्ट बुक बांटेंगे पर छप नहीं पाई, जितनी जल्दी हो सके छपा के आप सबको दी जाएगी। मैंने 25 छोड़ के 13-13 गुरु नानक के 13-13 की रिसिप्ट बुक बनाई है। हर आदमी ने 13-13 मेंबर बनानी है, जाकर चाहे घर में, चाहे अपने रिश्तेदारों में, चाहे आसपास पड़ोस में दुकानदारों, दुश्मनों को भी पकड़ो, उन पे भी तरस करो, उनको बोलो आओ। तो फिर से दास हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि ये संगत का है। देखो हम सब एक परिवार हो चुके हैं, अब मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, हम सब मिलकर एक हो जाएंगे ना। सब ये समझेगा कि मैंने इस तरफ कुछ करना है संगत के लिए, जिस तरह से मैं सोचता हूँ वैसे अगर आप लोग सोचने लग गए एक एक आदमी, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ। तो जब रिसीट बुक बांटी जाए, और बांटने के बाद मैं नीचे खुद आप लोगों से अपने हाथ से लूंगा वो रिसीट बुक,
कितने कितने अपने लोगों ने बनाए, एक एक आदमी सिर्फ 13-13 को जोड़ेगा, साइन लेके आएगा, फोन नंबर लेके आएगा, समय बताया जाएगा, इसने समय वहां पे पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी जकारा बुलाकर प्रेम का सबूत दीजिए कि पक्का ये करेंगे सारी संगत। सत श्री अकाल। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े। कितनी कमाल की बात है कि ये बासु भरद्वाज जी ये मानते भी नहीं थे गुरु को। जो गुरु को मानता नहीं है, पहली बार गुरबाणी सुनी, पहली बार, और जब श्री सुखमणि साहब जी की वाणी शुरू हुई देह रोग हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा सुनना हमें आ जाए बस। समर्क पुरन विदाते आपे करने हारा, आपे करने हारा, आपे करने हारा, आपे करने हारा, अपना दास मरिया मुबारिया नानक नाम
सर झुका के मांग ले वो क्या नहीं पाता, तुम्हारे दर से खाली हाथ कोई भी नहीं जाता। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले गुरुजी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अपने दरबार में आसरा दो, अपने दरबार में आसरा दो, घर पे आया हूँ बनके सवाली। दादाजी गुरु जी भर दो झोली मेरी डुगरी वाले गुरु जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दयावान हो मेरे भगवान हो, तुम दयावान हो मेरे भगवान हो, दीन दुखियों के साचे मददगार हो, दीन दुखियों के साचे मददगार हो, मेहरा वाले हो दाता हो दिलदार हो, गम के मारे गरीबों के गमखार हो, गम के मारे गरीबों के गमखार हो, हम सभी हैं मुसीबत के मारे हुए, हम सभी हैं मुसीबत के मारे हुए, मुश्किलों में घिरे गम के मारे हुए, हे गुरु जी हमें रहम की भीख दो, हे गुरु जी हमें रहम की भीख दो, आए हैं दर पे झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी मेहर वाले गुरु जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जो हर एक फूल को सींचता है, जो हर एक फूल को सींचता है, तुम हो ऐसे मेहरबान माली। दादा जी गुरु जी झोली
जो झोली मेरी डुगरी वाले गुरु जी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। चाहतों के दियो में उदयमान हो, चाहतों के दियो में उदयमान हो, तुम दिलों की रियासत के सुल्तान हो, तुम दिलों की रियासत के सुल्तान हो। हम दिलों जान से चाहते हैं तुम्हें, हम दिलों जान से चाहते मान हो तुम हमारा अभिमान हो, मान हो तुम हमारा अभिमान हो, आस हो आसरा हो सनम हो तुम्ही, आस हो आसरा हो सनम हो तुम्ही, धड़कनों मेरा बादम बदम हो तुम्ही, धड़कनों में जिसने विष पी लिया वो महादेव हो, जिसने विष पी लिया वो महादेव हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो तुम, भर दो झोली मेरी डुगरी वाले गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सारी दुनिया जिसे मान जाए, सारी दुनिया जिसे मान जाए, दान दे दो हमें वो मिसाल। करा मैं तेरा शुकराना, हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना, हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना। शुकराना शुकराना गुरु जी तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना गुरु जी तेरा शुकराना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना, हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना। तेरे विच मैनू रब है दिसदा, शिव दा तू अवतारा, तेरे विच मैनू रब है दिसदा, शिव दा तू अवतारा, तेरे विच मैनू रब है दिसदा, शिव दा तू अवतारा,
तेरे बिच मैनु रब है दिसदा शिव दा तू अवतारा शुकराना हर वेले गुरु जी करा में तेरा शुकराना हर वेले गुरु जी करा में तेरा शुकराना हर वेले गुरु जी करा में तेरा शुकराना कृपा निधान है तू ही कृपा निधान है तेरी रहमता हजारा तू ही कृपा निधान है तेरी रहमता हजारा मिलदी खुशियां दर तेरे गुण गांदा सारा जमाना शुकराना शुकराना गुरु जी तेरा शुकराना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुकराना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
शिव जी सदा शवा